Friends, how are you all? I hope you all were good. So as yesterday we already completed the lesson number 2 जो कि आपका my family था and we continue with the new lesson जो कि है आपका food. आप सबको पता है food क्या होता है? You very well known about food. Food means खाना होता है. खाना हम खाना क्यों खाते हैं? Why we eat food? We eat food to get energy and become healthy and fit. ठीक है, सबको पता है ये कि हम लोग खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमारे बॉडी को एनर्जी मिल सके और हम फिट और हेल्दी रह सकें. तो आज हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं. मैं रीड करूँगी, आप मेरे साथ रीड करिएगा. पेज नंबर 14, लेसन नंबर 3, फूड. इसके साथ मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाती जाऊँगी. योर मदर gives you different types of food to eat. As usual, हमारी मम्मी हमें खाना देती हैं जो अलग अलग होता है. हमारी मम्मी रोज़ हमें एक ही खाना नहीं देती, हमें रोज़ अलग अलग खाने मिलते हैं. Food helps you to grow and become strong. Food हमारे लिए क्या करता है? Food helps you to grow and become strong. फूड हमारे लिए हमारी ये मदद करता है कि हमें बढ़ाता है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है फिर हम धीरे धीरे खाना शुरू करते हैं, हम रोज़ खाना खाते हैं तो हमारी हाइट, हमारा वेट, हमारी हर चीज़ ग्रो करती है. ठीक है, और उसके साथ साथ हम स्ट्रॉन्ग भी होते हैं. इट गिव्स यू एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि फूड हमें क्या दे रहा है? ग्रो करने में हेल्प कर रहा है और स्ट्रॉन्ग बना रहा है. इसी के साथ साथ हमें वो क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है. क्यों दे रहा है? हमें एनर्जी किस किस चीज़ में लगती है? जब भी हम दौड़ते हैं, चलते हैं, उछलते हैं, खेलते हैं, तो ये सब चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है. और वो एनर्जी हमें कौन देता है? फूड देता है, हमारा खाना देता है. ठीक है, टू रिमेन फिट एंड हेल्दी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. तो हमें हेल्दी और फिट रहने के लिए अलग अलग खाना खाना ज़रूरी है. देयर आर थ्री मेन काइंड्स ऑफ फूड. आपकी बुक में थ्री टाइप्स ऑफ फूड दिए हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया? मैं आपको ड्रॉ करके भी इसके बारे में डिटेल में इलैबोरेट करती हूँ. तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ. सबसे पहले मैं हेडिंग डालूँगी, क्लास वर्क. डेट है आपकी 12th of May. लेसन नंबर 3, फूड. तो ये हो गया आपका लेसन नंबर. अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ.
तो ये हो गए हमारे फ्रूट्स। अब हम इसको आपको कलर करके भी दिखाते हैं। तो ये हो गए आपके सारे फ्रूट्स। आपको इस फ्रूट्स इन फ्रूट्स में दिख रहा होगा कौन कौन से फ्रूट्स मैंने ड्रॉ करे हैं। ये हो गया आपका वाटरमेलन, ये हो गया एप्पल, ये हो गया ग्रेप्स, चेरी, बनाना, मैंगो, ऑरेंज एंड ये है आपका मेलन। ठीक है, आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये सारे जितने भी हैं ये आपके क्या हैं, ये आपके हैं फ्रूट्स। अब मैं आपको वेजिटेबल्स ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये हो गई आपकी सारी वेजिटेबल्स। ठीक है, अब मैं आपको इसमें कलर करके भी दिखाती हूँ। ये हो गए आपके फूड। अब मैं आपको नाम बता देती हूँ। ये है आपका कॉलीफ्लावर, दिस इज कैबेज, टर्निप, अनियन, पोटैटो, टोमेटो, कैरेट, लेडी फिंगर्स, चिली, जिंजर, कैप्सिकम, ब्रिंजल, रेडिश। दीज आर सम ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, ये आपके क्लियर हो गए होंगे मेरे ख्याल से। आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा कि ये हमारे क्या हैं, टाइप्स ऑफ फूड हैं। फूड में आपका फ्रूट्स भी आ सकता है जिसे हम फ्रूट कहते हैं, और वेजिटेबल्स भी आता है जिसे हम सब्जियां भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए काइंड्स ऑफ फूड जो हम खाते हैं। कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिन्हें हम कच्चा खाते हैं, कुछ ऐसे
बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं जिन्हें हम कच्चा खाते हैं। ये है आपका फूड। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी बताऊंगी कि और भी अलग अलग तरीके के फूड कौन से होते हैं, ठीक है? मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और दिखा देती हूँ, मैं इसको पास कर देती हूँ, आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये आपका टाइप्स ऑफ फूड है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फूड होते हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आता है आपका होमवर्क। जितना मैंने अभी रीड किया है आपको वो रीड करना है, और उसमें से जितने भी आपको हार्ड वर्ड्स मिलेंगे उसको कॉपी में लिखना है, क्योंकि मैंने कल आपको शायद ये होमवर्क दिया था कि आपको उस लेसन को रीड करके अंडरलाइन करना है, तो आपने अंडरलाइन किया ही होगा, उसको कॉपीज़ में लिखना है। बट उतना ही जितना मैंने आज रीड किया है, रिमेम्बर दिस, जितना मैंने रीड किया है आज उतने में से ही आप वर्ड्स लिखेंगे फ्रॉम द वन पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन। ओके, इज़ दैट क्लियर? थैंक यू।